हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें, बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT तिरची। आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन खबर आ रही है। खबर क्या है कि VNIT नागपुर ने भी अपने यहां पर एक नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया है। ब्रांच का नाम है इंजीनियरिंग अप्लाइड इन मेडिकल साइंसेस। अगर आपको इस ब्रांच के बारे में नहीं बताऊं तो मैं आपको पहले एक थोड़ा सा हिस्ट्री दे देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं। क्या हुआ कि जब से कोरोना वायरस पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ ना, हमारे यहाँ पर इंडिया में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट होना चालू हो गए हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे मेडिकल स्टार्टअप्स भी रन हो रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि हर IIT में मेडिकल से रिलेटेड ब्रांचेस ज्यादा बढ़ने लगी है। मतलब IIT हैदराबाद में भी OPD, जोधपुर के अंदर भी एक ब्रांच है। उसी तरीके से VNIT नागपुर ने भी अपने यहाँ पर एक ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इंजीनियरिंग अप्लाइड इन मेडिकल साइंसेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने पूरा कोर्स स्ट्रक्चर सब कुछ बना के दिया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या क्या पढ़ाई करेंगे। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने कोर्स स्ट्रक्चर को और सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर अगर के बारे में पढ़ोगे, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, मेम्ब्रेन सेलुलर डेंटल के बारे में भी पढ़ोगे, आप लोग यहाँ पर डेंटल से रिलेटेड भी पढ़ाई करोगे और यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ये लोग आपसे करवाएंगे। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोमटेरियल के साथ साथ प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं और मेडिकल एप्लीकेशन में भी आपसे बहुत सारे काम करवाएंगे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये प्रोग्राम निकाला गया है। बट ये है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी अभी ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो इतनी जल्दी इनके प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं होने वाले हैं। बट ये है कि हाँ, हम ऐसा मान सकते हैं कि जिस तरीके से अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है तो इस थोड़े से प्लेसमेंट जो मेडिकल की फील्ड वाले हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। बट अगर रिसर्च के लिए अगर ये टॉपिक देखा जाए तो रिसर्च के लिए ये जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अगर ये ब्रांच चाहिए तो आप इस ब्रांच को CCMT के थ्रू, मुझे लगता है CCMT के थ्रू इसके एडमिशन चालू हो गए होंगे, तो आप इसको ले सकते हो उसके थ्रू, अगर ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल हो रही हो या आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी इसका जो भी ऐप पूरा ब्रॉचर है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉचर, उसको मैं टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कोप, CCMT, ब्रांच, प्लेसमेंट्स, आप हम लोगों से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम ID भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को बहुत प्यार से यार सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी कुछ दिन तक मेरा कोई भी फेस वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ एक दो हफ्ते के लिए, तो उसके बाद मेरे फेस वीडियो आएंगे। लेकिन मैं अपने कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहेंगे लेकिन फेस वीडियोस नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें सिद्धार्थ लाइव सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।